देख रहे हैं अपना मन पसंद चैनल और करगिल का सुपर फास्ट चैनल एसटीवी लद्दाख आवाज करगिल। क्योंकि हमें सब हम सबको मालूम है कि ये रास्ता लद्दाख को 6 महीने के लिए दुनिया से कटक करता है, क्योंकि ज़ोजिला में हैवी बर्फबारी होता है। तो क्या प्लानिंग है सर आपका, और आपने किस किस एजेंसीज को अप्रोच किया? सबसे पहले तो मैं कारगिल की मीडिया के टीम को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे आपके माध्यम से, आपके थ्रू से पब्लिक को ये सारा मैसेज पहुँच रहा है, हमारा टेक्निकल, हमारा प्लान के बारे में। अदरवाइज जो आम पब्लिक को ये पता नहीं होता है, तो इसलिए आप लोगों को मुबारकबाद देते हैं, तो आप लोगों को शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। जहाँ तक इसका प्रोजेक्ट का सवाल है, ये मैंने एक साल पहले जो है ये सोचा था कि ज़ोजिला को किस तरह से खोला जाए, इसमें केमिकल, इसमें मैकेनिकल, इसमें मैन पावर और इसमें काफ़ी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि आपने सुना होगा कि अलास्का में, चाइना में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में ऐसा कोई कल्चर नहीं कि कोई गांव या कोई शहर जो है बाकी दुनिया से कट ऑफ रहे, ये कोई कल्चर नहीं है, ये कोई वो कोई एक रूटीन चीज़ नहीं है। तो आज के दौर में, साइंटिफिक दौर में, किसी सदी में कोई भी जगह जो है आप बंद रहने का कोई चांसेस नहीं होना चाहिए, जहाँ तक हमारा साइंस कहता है। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनलों के थ्रू से ये टेक्निकल, इकोनॉमिकल और पॉलिसीज के बारे में बात कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इसमें टेक्निकली भी इन्वॉल्व हूँ, पैसे के ये बिजनेस भी मेरा ही है, और मैं उसके साथ जो है काउंसलर भी हूँ, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ। सो तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि सब कुछ अच्छे से समझाना। तो ये एक साल पहले जब प्रोजेक्ट सोचा था तो काफ़ी मुझे थ्योरेटिकली ये कामयाब लगा। फिर मैंने ये प्रोजेक्ट जो है सीसी कारगिल साहब, फिरोज साहब को मैंने पेश किया यूटी मिलने से पहले। उन्होंने काफ़ी सीरियस ले इस बात को, हालांकि कॉन्फिडेंट कौन है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट होने की वजह से पूरा सिस्टम कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है। तो लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की इस प्रोजेक्ट के बारे में, खुद भी पढ़ा लिखा है, उन्होंने काफ़ी स्टडी किया, काफ़ी हमको बुलाया इधर, हम मिले, तो हम जो है एक दो बार टीम लेके गया वहाँ पे कि फिजिबिलिटी को देखने के लिए। सबसे पहले तो ये है कि ये बड़ा एक चैलेंज वाली बात है। तो उन्होंने जब हमें गो हेड किया सर्वे के लिए, तो सर्वे हमने करने के लिए गया, तो मेन काम जो है हमने केमिकल पे सोचा था पहले। केमिकल जो है इसमें 3-4 किस्म का केमिकल होता है, और इसमें मैकेनिकल का काम होता है, इसमें मैन पावर का काम होता है। फिर बीच में ये डिले हो गया, क्योंकि यूटी मिल गया तो पूरा सिस्टम अभी चेंज हो गया, ट्रांजेक्शन पीरियड में आ गया। तो हमारा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा किशन साहब, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके लिए ये जो एक ख्वाब है और इनके लिए एक ड्रीम है, क्योंकि मैंने भी उनके सामने ये सारा प्रोजेक्ट समझाया, तो उन्होंने मुझे सीरीज ऑफ मीटिंग करवाया, मुझे दिल्ली तक भेजा, बीआरओ के डायरेक्टर जनरल के पास भेजा, और मुझे करगिल बुलाया। उन्होंने बहुत संजीदगी से, बहुत अच्छे से इसको इनिशिएटिव लिया। मैं समझता हूँ कि अगर उनका दौर रहे तो इस ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट वो शायद और भी कामयाब करेंगे, लेकिन ये पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से उन्होंने इसको काफ़ी ध्यान दिया। तो उन्होंने विद इन 10-15 दिन में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अप्रूवल लाया, इसको पायलट प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव कर दिया कि हमें काम करना। पायलट प्रोजेक्ट ये वर्ड जो है खासकर यूज़ करना चाहिए, पायलट प्रोजेक्ट, ये मतलब हमें टेस्ट करना है। तो इसमें जिनाब केमिकल है 3 किस्म का, वो इको फ्रेंडली है, और उसमें हम बूस्टर भी डालते हैं। जे अब मैं केमिकल का नाम तो नहीं लूँगा, ये पैटर्न का मसला है या हमारे बिजनेस का सीक्रेसी का मसला। जो ये केमिकल सप्लाई करते हैं हमारे दिल्ली में, गुजरात में, बॉम्बे में, उनको पता नहीं कि ये केमिकल किस काम के लिए है, लेकिन हमने केमिकल खरीदने के बाद टेस्ट किया। हमारा साइंटिस्ट है लैब में, हमारा केमिकल इंजीनियर हमारे साथ नहीं है अभी, तो उन्होंने मैनुअली टेस्ट किया। तो ये 3 अलग अलग किस्म के केमिकल को पानी में गर्म करके, बॉयलर में गर्म करके, रिजर्वर में डाल के उसको मिक्स करके, फिर जो है ना वाटर टैंकी में जाएंगे, जैसे कि गाड़ी में, या जैसे कि पानी का गाड़ी होता है, तो उसे हम अप्लाई करेंगे ज़मीन पे। लेकिन ज़मीन जो है सूखा होना चाहिए, सूखा होने के ऊपर जैसे कि हमारा वेदर स्टेशन लगेगा 3-4 जगह पर, डायरेक्ट हमारा ही वेदर स्टेशन लगेगा घुमरी में, या अलग अलग जगह पे शैतान नाला पे, या ये वहाँ पे लगेंगे, और इंडिया गेट से इस तरफ लगेंगे, जगह जगह पे लगेंगे। तो हमें पता चलेगा 24 घंटे से पहले या एक हफ्ते पहले कि यहाँ पे बर्फ़ पड़ने वाला, तो सूखे ज़मीन पे हम अप्लाई करेंगे तो वो बर्फ़ टिकेगा नहीं। अब बदकिस्मती ये है कि डिले हो गया। अब यही केमिकल जो है हम
उसी पे डालेंगे जो बर्फ गिरा हुआ है, जिसे ब्लैक आइस कहते हैं, ब्लैक आइस जिसको सॉफ्ट करते हैं। अब लोग समझते हैं कारगिल में या हर एक जगह पे कि केमिकल डाल दिया तो ये जादू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसका एक प्रोसेस होता है, व्हेन वी पुट व्हेन वी अप्लाई द केमिकल, जब हम केमिकल अप्लाई करेंगे उसको 2 घंटा लगता है प्रोसेस में। तो वैसे भी हम जो है इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से करने का कोशिश करेंगे। पहले हमने अप्लाई किया है इसी बर्फ को हटाने के लिए, फिर उसके ऊपर जो है हम जो रोलर या गाड़ी चलवाएंगे तो वो खुद ब खुद सॉफ्ट होके हो जाएगा। अब लोगों का ये है कि ये सोचते हैं कि ये केमिकल डाल दिया तो जादू होगा, ऐसा नहीं होगा। फिर उसका बर्फ मैकेनिकल का काम है, क्योंकि इस टाइम पे क्योंकि ऑलरेडी बर्फ पड़ चुका है, तो इसमें सबसे इंटरेस्ट जो है आपका डीसी कारगिल, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, सीसी साहब, एसपी साहब तक भी इनका बहुत योगदान है। ये लोग जो है ना फास्ट ट्रैक पे इसे प्रोसेस में ला रहा है, लेकिन अब टाइम तो लगता है क्योंकि ये अब सरकारी एजेंसीज के थ्रू पे चलना पड़ता है। अब हम ये पता करना है कि बर्फ जो है ऐसे जगह पे गिरा कि वहां पे गाड़ी फंसने वाला है, तो हम किस तरह से पता करेंगे कि वहां पे बर्फ है। अभी तक तो मैनुअली कोई आदमी जाता था या कोई गाड़ी जाता था, बोलता कि वहां जी ये शैतान वाला में गाड़ी फंस गया, या नहीं तो वो इंडिया गेट से ये 0 पॉइंट आगे सबसे खतरनाक जगह है वहां पे गाड़ी फंस गया। वहां पे अब गाड़ी फंस गया या बर्फ गिर गया वो किस तरह से हम पता करेंगे। आज तक तो मैनुअली चल रहा था। हमारे पास जो है 2 ड्रोन रहेंगे, 2 ड्रोन कैमरा जो उड़ेंगे, जिसमें जो हमारा जो क्या ये एरोनोटिकल इंजीनियर भी इसमें इन्वॉल्व है, वो अभी दिल्ली में हमारे साथ पिछली बार आया था, इस साल नहीं आया। तो हर दिन जो है सुबह जो है ड्रोन कैमरा उड़ेगा, वो पूरा पता करेगा कि ये एवलेंच आया है कि नहीं है, तो हम उससे तो हमें ये पता चल जाएगा। अभी तक जो है मैनुअली जो है हमारे अच्छे ड्राइवर है जो ऑपरेटर से, वो जो है रोड को क्लियर करता था अपने एक अपने एनवायरमेंट के हिसाब से, अपने एक अंदाजे से कि यहाँ से ये रोड चलता है। हमारे पास रोड ओपनर मशीन भी है, गूगल के थ्रू से भी वो तारकोल का वो पेस्ट लेके, पेस्ट को मशीन पे लगाना है ब्लैक टॉप के, उसको पेस्ट को गर्म करके लगाना है, फिर गाड़ी में फिट करनी, इतना सा कंप्यूटर होता है, वो हमें पूरा जगह बताएगा कि कहाँ पर तारकोल है। तो तारकोल के बाद जो है फिर जो है हमारे पास रोड ओपनर एक मशीन होता है, वो जो है ना पहले हम उस ओपनर रोड ओपनर मशीन को ऐसे ही ले जाते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल कैमरे के थ्रू से या किसी मशीन के, वो हमारे इंजीनियर्स को पता है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे तो वो मशीन को लेके जाएंगे तो वो रोड खुद ब खुद खुल जाएगा। तो अब रहा इसमें ये सब बातें तो टेक्निकल बातें होगी, अब रहा इसमें इशू रहा कि सहूलियत कन्वीनियंस क्या है। इससे अगर ये रोड खुल गया तो ले में जितने भी अभी 30,000-40,000 रुपया जो जहाज का किराया है, वो ले वालों के लिए भी प्रेशर कम पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी जो करगिल से काफ़ी जो इस रीजन से जो है यहाँ से ले जाते हैं, ले से फिर दिल्ली आगे या जम्मू या कश्मीर दूसरे जगह पे जाते हैं, तो एक तो वहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ से रेगुलरली एक ट्रैफिक निकल जाएगा। तो दूसरा फायदा ये है कि इसमें अगर खर्चा आएगा तो मैक्सिमम खर्चा आएगा 1 महीने के लिए 2 करोड़ रुपये स्टार्टिंग के लिए, जिसमें हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है मशीन से प्लांट से, केमिकल को प्लांट में भी हमें लगा के मिक्स करना, अभी तो हम मैन्युअली कर रहे थे जिससे थोड़ा सा उसमें डेंसिटी और पावर कम था, फिर भी हमने कल दिखाया था। तो इसमें जनाब 2 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक खर्चा आ सकता है पूरे विंटर का, जो कि बहुत बड़ा पैसा है गवर्नमेंट के लिए। लेकिन हमारे जो इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स है, एक हमारे एक मिसेस कुंजंग है जो अभी पिछले बार साथ आए थे, कल इस बार नहीं आया साथ, और दूसरा हमारे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से लोग लड़के हैं सलाउद्दीन वगैरह, उन्होंने इसका एक इकोनॉमिकल पैकेज बनाया। तो जब 10 करोड़ हम खर्चा करते हैं मैक्सिमम, अभी तो हमने 2 करोड़ 2.5 करोड़ का एस्टिमेट दे दिया 1 महीने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के लिए, जो हमारा अगर दिन में 20 भी अगर गाड़ी निकलेंगे ट्रक के हिसाब से, दिन में अगर 10 भी गाड़ी निकलेंगे, गवर्नमेंट को और सिस्टम को जो है इन 6 महीनों में 195 करोड़ का फायदा आता है इकोनॉमिकली। जैसे प्याज जो है सस्ता मिलेगा, सब्जियां सस्ता मिलेगा, फ्लाइट का रेट कम होगा। खैर आई एम नॉट गुड इन इकोनॉमी, लेकिन वो रिसर्च किया हुआ है। तो अब इसमें आपने अपना टेक्निकल जितना भी था आपने बता दिया लोगों में सुना, अब इसमें मैन पावर की जरूरत है, हाँ नो हाउ की जरूरत है। तो आप इसमें किस तरह, जैसे कि हमारे जब आप कारगिल में काम कर रहे हो, द्राज में आप काम कर रहे हो, जोजिला में, तो क्या अब लोकल यूथ को इन्वॉल्व करेंगे इस चीज के लिए? जितना अगर लोकल इन्वॉल्व होंगे तो और अच्छा काम होगा। वो तो बिल्कुल यकीनन, वो तो लोकल सपोर्ट और लोकल इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो काम ही नहीं होगा।
बेशक हमारे पास साइंटिफिक तरीके हैं, मैनेजमेंट है, हमारे पास इक्विपमेंट है, हमारे पास आइडिया है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे तो लोकल को ही रखना है। लोकल का अगर वहां से 20 आदमी 60 आदमी अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो हमारा काम नहीं होगा। अभी देखिए अब ऑपरेटर जो है, या हम कश्मीर से या ले से ऑपरेटर ला के इसमें चलाएंगे, बोलेगा एक तो वेदर कंडीशन उनको सूटेबल नहीं है, दूसरा जो वो लोग ट्रेंड नहीं होते, वो एक तो यहाँ के जो लेबर है ये लोग तो बिल्कुल ही ट्रेंड है, यहाँ के जितने भी वर्कर ये तो बिल्कुल ही ट्रेंड है। लेकिन जो हमने एस्टिमेट गवर्नमेंट को दिया उसमें हमें इस लोकल स्टाफ को, लोकल जो हमारे वर्कर्स को, एक एक वर्कर्स को 18,000 से 20,000 तक क्लोथिंग में हम खर्चा कर रहे हैं। एक एक ग्लोव जो है ना 3,000-3,000 का आता है, एक एक स्पेक्स जो है वो 2,500-2,500 का आता है। उनको एक गर्म कमरे में, एक अच्छे इन्वायरमेंट में, हम सोच रहे थे कि वहाँ पे उनको इतना इंतजाम दिया जाए कि ताकि वो लोग जो है ना काम अच्छा कर सके, उनका खाना जो है ना स्पेशल खाना होगा, जैसे कि अच्छे मीट, अच्छे एनर्जेटिक खाने, पोरेज वगैरह, ऐसा वगैरह, तब उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। लोकल का इन्वॉल्वमेंट ना होने का तो सवाल नहीं, बट वी हैव टू इक्विप एंड गिव गुड फैसिलिटीज टू लोकल। अभी देखिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कभी संडे आता है, कभी ईद आता है, कभी लोसर आता है, तो कभी विश्वकर्मा आता है, कभी होली आता है, कभी दिवाली आता है, तो काफ़ी काम जो उसी से रुक जाता है। हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वैसे भी गवर्नमेंट को जो भी होता है पब्लिक इंटरेस्ट में काम, जो उसको वैसे भी आउटसोर्स कर देना चाहिए। तो नासिर साहब, आप हमारे जरिए, आप हम करगिल के आवाम को क्या एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, क्योंकि आप पायलट प्रोजेक्ट अभी शुरू कर रहे हैं, तो इस साल का आपका क्या प्लान है? इस साल का ये, कल मेरा डीसी साहब से बात हुआ, एलजी साहब से बात हुआ दिल्ली में, ड्यूकॉन से बात हुआ, मेरा इनके साथ सीरीज ऑफ मीटिंग होता है, तो इश्योरेंस होता है, मैसेज होता है पब्लिक को। पब्लिक को ये सोच के चलना चाहिए कि दिस इज ए पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हम 10 दिन काम करेंगे, 5 दिन ट्रैफिक को रेगुलेट करेंगे, 6 दिन रेगुलेट करेंगे, वो वेदर रिपोर्ट के ऊपर है। हमको वेदर ने बोला कि भाई इस दिन बर्फ पड़ेगा, हमारा इक्विपमेंट मैन पावर सब जो लाइन पर लग जाएंगे, ट्रैफिक को बंद कर देंगे। पायलट प्रोजेक्ट में ही होता है, और मिनिमम हम ट्रैफिक को प्ले करने देंगे मिनिमम, ताकि टेस्ट करें, क्योंकि दुनिया जो है इसी साल से खत्म नहीं होता है ना, हमें तो आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी तक जो है ना ऑन ग्राउंड हमने एक कील भी नहीं ठोका। मुझे खुद एक्सपीरियंस करना है, हमारे इंजीनियर्स को खुद एक्सपीरियंस करना है, एक्सपीरियंस नहीं कर, आपके लिए भी एक नया चीज, मेरे लिए भी एक नया चीज, लेकिन हमारे पास आइडिया है, साइंटिफिक तरीके है, और हमें ग्राउंड जीरो पे हमने जाके देखा, हमने लोकल से बात किया वहां पे, हमें कभी कंफ्यूजन इंफॉर्मेशन मिलते हैं, कोई लोग कहते हैं कि इम्पॉसिबल है, कोई लोग कहते हैं कि क्या ये इजी भी है, तो हमें खुद भी तो एक्सपीरियंस करना है ना। बट अगर आप और हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, देन हु, समबडी हैज टू बेल द कैट, किसी को तो बिल्ली के गले में घंटी डालना है ना, अब ऐसे ही छोड़ के तो नहीं रख सकते ना। मतलब हमारा तो यही, आप लोगों को एश्योरेंस ये है कि आप, अभी तक जो है पुलिस भी परेशान रहता है, लास्ट ईयर टू लास्ट, हर साल एक जमघटा वहां से होता है, एक जमघटा यहाँ से होता है, बैरिकेड तोड़ना, तो लोग जाके जबरदस्ती करना, ऐसा जो हमारी सिस्टम में नहीं होगा। इसलिए जो डीसी साहब ने बहुत अच्छा किया कि पहले जो एसपी साहब, डीसी साहब, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको जो है ना स्ट्रीमलाइन पर लाना चाहता है, दोनों तरफ से स्टॉक आना, स्टॉक जाना, आगे पीछे, फिर हम आस्ते आस्ते इन्वॉल्व हो जाएंगे इसमें। सही, इट मे टेक लिटिल टाइम। अब इसमें लोगों का, क्योंकि ये मार्केट में अफवाह तो बिल्कुल फैल चुका, अफवाह क्या, ये न्यूज पूरा फैल चुका है कि लद्दाख रेस्क्यू सेंटर इस साल सर्दियों में खुला रखने की कोशिश करेंगे, तो मगर इसमें एक चीज ये भी है, अब ये जो अप्रोच है वो हमारे यहाँ इस साइड से, लद्दाख साइड से, क्या अब ये, क्योंकि वहाँ सोनमर्ग तक बर्फ होता है, तो आपका जुरिस्डिक्शन कहाँ तक होगा? हाँ, ये आपने अच्छा बात पूछे, यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम से ज्यादा, बाकी प्रॉब्लम से ज्यादा जुरिस्डिक्शन प्रॉब्लम, ऑफिशियल प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, जिसकी वजह से जो है ना 2.5-3 लाख लोगों का जिंदगी जो एक जेल बन जाता है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के मसले से, ज्यूरिसडिक्शन के मसले से। अभी इन्होंने एक अच्छा तरीका निकाला है, ड्यूकॉम साहब ने, एलजी साहब ने, डीसी साहब ने, कि हमें जो है ना दोनों तरफ का ज्यूरिसडिक्शन दिया है, जैसे कि मीनामर्ग से लेकर सोनामर्ग तक हमको दिया है। सोनामर्ग तक को भी हम, हमारा तो 24 किलोमीटर ही तक था, इंडिया गेट तक है, या शैतान नाला था, सॉरी बजरी नाला तक था, क्योंकि वहां से तो ईजी है। अब फिर भी बोला कि आगे तक करो, टेक्निकली हम करेंगे बिल्कुल बजरी नाला से नीचे जाके बाल तल जहाँ तक टाच होता है, या सोनामर्ग तक हम करेंगे, हम करने के लिए तैयार है, हम दोनों तरफ से करने के लिए तैयार है। अब जो कल अगर फिर प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि इंटरेस्ट जो है करगिल वालों का है, ले वालों का है, इंटरेस्ट उनका नहीं है, उनका नहीं, उनका तो
टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें किसी भी एजेंसी को फील नहीं होना चाहिए, सब जो है सोनामर्ग रुद्राज जो है ना छोड़ के निकल जाते हैं विंटर्स में, जितने भी ऑफिशियल वाले। मैंने अक्सर नोटिस किया कि जितने भी गवर्नमेंट, अब मैं एज ए काउंसलर हूँ, आई वुड एवरी राइट टू से, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, काफ़ी लोग जो मैदान छोड़ के विंटर में भागना चाहते, कोई हेडक्वार्टर में गंदरवाल में अटैच होना चाहते, कोई कारगिल में अटैच होना चाहते हैं, तो लोगों को गवर्नमेंट एजेंसीज को वहाँ पे जो ग्राउंड पे जो लोग हैं, आपको कल तो मेरे साथ मजिस्ट्रेट होंगे या कुछ और भी, वो लोग भागना चाहते हैं, अगर वो लोग भागा तो हमारे पास तो सीधा है ड्रोन कैमरा उड़ेगा, हमारा रोड कहाँ तक क्लियर है वो देखेगा, सोनामर्ग तक हम क्लियर करेंगे या बालताल तक क्लियर करेंगे या बजरी नाला तक क्लियर करेंगे, उसके बाद तो आप बोलेगा कि वहाँ पे आदमी नहीं है रेगुलेट करने के लिए, उसमें तो फिर हम क्या कर सकते। आप बोलेगा कि कुछ ऐसा भी बात हुआ था कि चलो जी आज तक तो प्रॉब्लम था इंडिया गेट तक, अब कल जो जब एलजी साहब ने बहुत बड़ा मीटिंग बुलाया तो उधर जो है उस साइड वाले लोगों ने बोला कि नहीं जी वहाँ पे क्या करेंगे, उस साइड में क्या करेंगे। अब मैं एक साइंटिफिक तरीके से अब इसको काम कर रहा हूँ, मेरे साथ साइंटिस्ट है, हमारा काम है एग्जीक्यूट करना। अब एडमिनिस्ट्रेशन अगर इसमें वो उस साइड से बोलेगा कि नहीं जी हम नहीं बैठना चाहते, वो बैठना चाहते, तो इट मीन्स कि वहाँ के लोग या यहाँ के भी लोग जो है ना भागना चाहते हैं, और जो ये लोग अब कोई गांधरबल जाना चाहते हैं, कोई करगिल दराज छोड़ के करगिल आना चाहते हैं, वो एक बात की बात हुआ, अब उसमें क्या कर सकते हैं। बाकी बोलेगा कि गवर्नमेंट हमें टेक्निकल तरीके से पूरा श्रीनगर के गांधरबल या वहाँ तक क्या बोलता है यहाँ लाल चौक तक सफाई करके दे, तो वो तो हमारा जिम्मा नहीं है, हमारा टेक्निकल पार्ट है वहाँ तक जिम्मा है। थैंक यू सर।